हमें पता है कि एक स्फेयर मतलब कि गोलक उसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 इंटू पाई इंटू उसका जो रेडियस है उसका स्क्वायर। इसे आज हम प्रूव करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से, और इसका फायदा ये होगा कि इसे आगे चल के हम गॉसस थ्योरम में यूज करेंगे। तो फिलहाल अपना कंसंट्रेशन यहीं पर रहेगा कि एक स्फेयर का एरिया को हम इस सिस्टम से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस, और जो सरफेस है जिसका कि एरिया हमें पता लगाना है, जो स्फेयर है वो स्फेयर कुछ ऐसा है कि इसका जो ओरिजिन है उस ओरिजिन में जाके उस स्फेयर का सेंटर होगा, तो वो स्फेयर कुछ ऐसा है। तो आप कह सकते हैं कि यहां पर इसका जो सेंटर है वो सेंटर यहां पर है। अब हमें इसका पूरा का पूरा एरिया पता करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, जैसे कि यहां पर एक रीजन आपको दिख रहा है, ये एक रीजन आपको दिख रहा है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे रीजन्स में हमने इसे तोड़ लिया। ये इनफाइनाइटेसिमल एरिया है, ये जो सर्फेस है ये बहुत छोटा है, लेकिन हमें सब कुछ समझ में आया इसीलिए इसे बड़ा ड्रॉ किया गया। मतलब इसका विड्थ जो है ये नेग्लिजिबली स्मॉल है, और इसका ये जो हाइट है अब जो भी कह ले इसे, ये भी नेग्लिजिबली स्मॉल है, तो सब इसका बहुत छोटा है। और हम क्या करेंगे, फिर इसका एक छोटा सा रीजन का एरिया पता करेंगे और बाद में चल के हम उसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो सबसे पहले इस छोटा सा जो रीजन है उसका जो एरिया है वो पता करेंगे। उससे पहले यहां पर देख ले कि ये जो रेडियस है, ये रेडियस हमें पता होना होगा, ये जो स्फीयर है इसका रेडियस कितना है। तो इसका रेडियस हम कुछ ऐसा मान सकते हैं यहां से लेके यहां तक, और वो रेडियस है आर। मैं इसे फिर से ड्रॉ कर लूंगा ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को। सबसे पहले तो ये जेड एक्सिस है और ये हो गया वाई एक्सिस, कुछ ऐसे मैं उसी के हिसाब से ड्रॉ कर रहा हूं जैसा पिछला फिगर में ड्रॉ किया हुआ है, और ये हो गया एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। अब क्या है, हमें एक छोटा सा रीजन कंसीडर करना है, उससे पहले ये जो रेडियस हमने यहां पर ड्रॉ किया उसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो वो कुछ ऐसा, सो रेडियस आर। अब क्या करना है, यहां एक्सिस लिख लेते हैं, यहां एक्स एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। जैसा कि हमें पता है कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो हम करते क्या है, सबसे पहले हम जो करते हैं वो ये कि हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं यहां से इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। सो हमने कर दिया परपेंडिकुलर ड्रॉप यहां पर इस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, और फिर हम इसे ऐसे जोड़ देते हैं। तो यहां एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बनाता है, इस एंगल को हम कहते हैं एजीमुथल एंगल, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। और ये जेड एक्सिस के साथ यहां पर जो एंगल बना रहा है, इस एंगल को हम कहते हैं पोलर एंगल, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। यहां पर हमने ये जो पॉइंट है इसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है आर कोमा थीटा कोमा फाई से, जो फिजिक्स के कन्वेंशन के हिसाब से। अब क्या करना है, अब ये जो सेक्शन है, ये जो छोटा सा एरिया है इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसे थोड़ा और बड़ा ड्रॉ करते हैं ताकि बेहतर समझ में आए। तो ये कुछ ऐसा हमने कर लिया उस सेक्शन को ड्रॉ। तो ये जो है ये इसे हम विड्थ मान सकते हैं और इसे हम हाइट मान सकते हैं। ये इतना छोटा है कि आप इन दोनों को स्ट्रेट लाइन की तरह मान सकते हैं। तो हम अगर इसका विड्थ पता कर ले, यहां से ये वाला विड्थ जो है इसे पता कर ले, या हाइट जो भी कह लें आप, इसे अगर पता कर ले, फिर हम इसे पता करेंगे और दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये वाला एरिया हमें पता चल जाएगा। आप ध्यान से देखें, ये जो है ये एक आर्क है, और आप कह सकते हैं कि ये जो रेडियस है इसी को ऐसे घुमाते हुए हमें ये आर्क मिलेगा। तो फिर यहां से हम इस एंगल को एक नाम दे देते हैं, और ये बहुत छोटा एक एंगल होगा, सो ये हो गया डी थीटा। देखिए थीटा के साथ है, थीटा इस तरह से बढ़ रहा है, उसी डायरेक्शन में ये भी बढ़ रहा है, तो ये डी थीटा। हम कह सकते हैं कि ये जो है ये आर्क जो है ये कितना होगा, हमें पता है आर्क क्या होता है, आर्क बराबर होता है रेडियस और वो जितना एंगल सबटेंड कर रहा उसका प्रोडक्ट, दैट मीन ये हो जाएगा आर इंटू डी थीटा। तो हमने इसे पता कर लिया, अब आगे हमें पता करना है इसे।
यहां पर देखें हम इसे कैसे पता करेंगे, ये अगर एक आर्क है तो किस सर्कुलर पार्ट का आर्क है? ये वाला तो बड़ा आसान था, आप अगर इसे रेडियस मानते हैं तो आप एक सर्कुलर पाथ में ऐसे घूमे तो आप इस कर्व्ड लाइन को फॉलो करेंगे, तो आप कह सकते हैं ये जो पार्ट है, ये जो आर्क आपको दिख रहा है जो कि हमने यहां पर ड्रॉ किया है, वो किस सर्कल का पार्ट है? वो इस सर्कल का पार्ट है। ये जो आपको सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल, और इसका रेडियस कितना होगा? इसका रेडियस होगा आर। यहां पर देखिए ये होगा इसका रेडियस, ऐसे आप घूमे तो एक सर्कल बनेगा जिसका रेडियस आर होगा। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अब इसे जब हम कंसीडर करेंगे, ये एक ऐसा आर्क है जो कि एक ऐसा सर्कल का पार्ट है, वो सर्कल मैं पहले यहां दिखा देता हूं, ये इस हिस्से की बात हो रही है, तो फिर हम कह सकते हैं ये इस सर्कल का पार्ट है, ये वाला जो सर्कल आपको दिख रहा है यहां पर। सो ये जो सर्कल है इसके लिए रेडियस आर नहीं होगा, इसके लिए रेडियस कुछ ऐसा होगा, ये होगा इसका रेडियस, ये आपको एक्स वाई प्लेन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है, जेड एक्सिस के साथ मिलाना है। तो यहां से देखिए अगर आप ऐसे घूमते हैं तो एक सर्कुलर पाथ में घूमेंगे। यहां पर मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूं, यहां पर ये आप ऐसे मिला ले जेड एक्सिस के साथ, तो यहां से अगर आप घूमते हैं ऐसे तो आपको ये वाला सर्कल मिलेगा। दैट मीन कि यहां पर ये आर नहीं होगा रेडियस, बल्कि ये जो लेंथ है ये होगा अब इसका रेडियस। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां से यहां तक आर, ये 90 डिग्री और ये थीटा, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये बराबर हो जाएगा आर इंटू साइन ऑफ थीटा। अब देखिए इस आर्क को आप यहां से घूमते हुए यहां तक पहुंचे तो आपको ये मिला लास्ट पॉइंट इसका। तो ये एंगल, इसे आप क्या कंसीडर करेंगे? देखिए इस डायरेक्शन में जो हम घूम रहे हैं, किसके साथ हम घूम रहे हैं? हम इस फाई के डायरेक्शन में घूम रहे हैं। दैट मीन इसे अगर हम प्रोजेक्ट करके नीचे लाते हैं, यहां पर ऐसे और ये कुछ ऐसे प्रोजेक्टेड होगा, तो वो जो आर्क होगा वो कुछ ऐसा होगा, ऐसे घूमते हुए यहां तक पहुंचे तो आपको वो आर्क मिलेगा। तो ये एंगल, ये बराबर होगा इस एंगल के, तो इस एंगल को आप क्या नाम देंगे? ये होगा डी फाई, क्योंकि फाई के डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसे हमने नाम दे दिया डी फाई। अब देखें ये क्या होगा फिर, ये जो आर्क है ये किसके बराबर हो जाएगा? आर इंटू साइन ऑफ थीटा, इसका रेडियस, और ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? डी फाई। तो यहां से हम कहेंगे ये हो जाएगा आर साइन ऑफ थीटा इंटू डी फाई। तो जब इसका एरिया हम पता लगाएंगे, सो इसका टोटल एरिया जो होगा छोटा सा एरिया होगा, सो हम इसे डी ए नाम देंगे। सो यहां से कह ले कि ये जो डी ए है ये बराबर हो जाएगा आर इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू डी फाई इंटू, ये तो हो गया इसका वेड्थ, और इसका हाइट देखे यहां से आर इंटू डी थीटा, सो आर इंटू डी थीटा। सो इसे आप अरेंज कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर्ड इंटू साइन ऑफ थीटा डी थीटा इंटू डी फाई। तो देखिए यहां जो हम इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए डी थीटा भी है डी फाई भी है, तो हमें दो बार इंटीग्रेट करना होगा, ये एक डबल इंटीग्रल होगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो फिर हम यहां से कह सकते हैं टोटल एरिया, हम इस टर्म को इंटीग्रेट करेंगे या फिर कहें डी ए को इंटीग्रेट करेंगे, सो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, और ये डबल इंटीग्रेशन होगा और ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन होगा, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा सरफेस को, क्लोज्ड सरफेस को हमें इंटीग्रेट करना है, पूरा स्फीयर का एरिया पता करना है, ऐसा नहीं कि इतना पार्ट का पता कर लिया एरिया और ऊपर का जो पार्ट है उसका नहीं किया, ऐसा नहीं है, पूरा का पूरा स्फीयर का एरिया कंसीडर करना है। तो ये क्लोज्ड सरफेस है तो उसी का सिंबल है ये, और ये डबल इंटीग्रल है, दो बार इंटीग्रेट करना होगा हमें। सो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये है डबल इंटीग्रेशन ऑफ, अब लिमिट बैठा देंगे इसीलिए ये वाला जो सर्कल है उसे हम ओमिट कर सकते हैं। अब इस टर्म को लिखते हैं, सो ये हो जाएगा आर स्क्वायर्ड साइन ऑफ थीटा इंटू डी फाई। तो चूंकि मैं पहले फाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा तो मैं इसे थोड़ा सा अरेंज कर लूंगा, लिमिट नहीं बैठा रहा है तो यहां पर फिर से सर्कल बैठा दे, लिमिट आगे बैठाएंगे आगे के लाइन में।
सो इससे आगे बढ़ते हुए हम कहेंगे ये है इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट बैठाना है हमें, सो आर स्क्वायर्ड डी फाई साइन ऑफ थीटा डी थीटा। तो यहां से देखें ये आर स्क्वायर्ड जो है ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो आर कांस्टेंट है एक स्फीयर के लिए, ये तो सेम होगा हमेशा, ये ना तो थीटा पे डिपेंड करेगा ना ही फाई पे डिपेंड करेगा, तो इसे इंटीग्रल के बाहर ले जाते हैं। सो हमने भेज दिया इसे इंटीग्रल के बाहर, आर स्क्वायर्ड चला गया बाहर। सो सबसे पहले हम इंटीग्रेट करने वाले हैं डी फाई को, सो ये जो सेक्शन है इसे हम पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका जो भी आउटकम होगा उसे यहां पर रखेंगे और अंततः इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखें ये जो अंदर वाला इंटीग्रल है, ये वाला जो है ये किसके लिए है, ये फाई के लिए है। फाई का लिमिट क्या होगा, लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट तक। अगर आपको इस पूरे पट्टी को यहां पर आप देखें, ये जो छोटा सा एरिया बन रहा था इनफाइनाइटिसिमल एरिया, अगर हम ऐसे घूमते हुए आगे बढ़ते हुए पूरा एक चक्कर लगा लेते हैं तो कितना एरिया हम कवर कर लेंगे। इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये भी कवर हो जाएगा, फिर ये कवर होगा, फिर ये, इस तरह से हम इस पूरे पट्टी को जो है इसे हम कवर कर लेंगे। पूरा पट्टी को अगर कवर करना है तो हमें यहां से लेके पूरा ऐसे एक बार घूम जाना होगा। तो यहां लिमिट जो होगा इसका, ये होगा 0 to 2π, 360 डिग्री घूमेंगे हम, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π। सो यहां जो लिमिट हम बैठाएंगे वो होगा 0 to 2π। अब क्या है, ये दूसरा वाला पार्ट भी देख लेते हैं। अगला जो इंटीग्रेशन होगा वो तो थीटा के रेस्पेक्ट में होगा। अब देखें थीटा कहां से कहां तक, हमने सबसे पहले इस पट्टी को कर लिया कवर, ऐसे बहुत सारे पट्टी हैं, यहां भी एक लेयर है, यहां भी एक लेयर है, यहां भी एक लेयर है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, बहुत सारे लेयर्स हैं। तो अब सारे लेयर्स को अगर कवर करना है तब जाके ऐसा पूरा स्फीयर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, उसे पूरा कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले इस पट्टी से शुरू करते हैं, यहां जो पट्टी है इसे कवर करने के लिए देखे यहां जो थीटा का वैल्यू होगा, थीटा कौन है, थीटा है जो एंगल ये बनाएगा इस जेड एक्सिस के साथ। तो यहां इस केस में आर यहां पर पहुंचेगा बिल्कुल टॉप में, और जेड एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, इतना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री का एंगल बना रहा। अब अगला पट्टी को जब हम कंसीडर करेंगे, ये वाला वो पट्टी होगा, ये वाला लेयर, तो यहां पर आर का वैल्यू देखे थोड़ा बढ़ जाएगा, यहां पर ये जो एंगल होगा ये एंगल कुछ बनेगा। इसी तरह से अगला पट्टी को कंसीडर करें, इसे फिर इसे फिर इसे, जैसे कि हमने कंसीडर किया है, फिर आगे ऐसे बढ़ते जाए, बढ़ते बढ़ते लास्ट पट्टी आपको यहां पर दिखेगा, वहां जो आर का आर होगा वो यहां पर आएगा कुछ ऐसे, और ये जो एंगल बनाएगा, ये जो एंगल इस तरह का एंगल बनाएगा, आर कुछ ऐसा बनेगा, और ये जो एंगल बनेगा लास्ट पट्टी के लिए ये एंगल 180 डिग्री होगा। यहां थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि 360 डिग्री क्यों नहीं हुआ, इस कारण से 360 डिग्री नहीं हुआ कि सारे पट्टी को कवर करने के लिए आपको 360 डिग्री घूमने का जरूरत नहीं है, आपको शुरुआती इस पट्टी से लेके इस पट्टी तक, नीचे वाले पट्टी तक कवर करना है तो आपको पूरा नहीं घूमना होगा यहां तक। आप देखें यहां 0 डिग्री, मैं कलर थोड़ा बदल दूं तो समझ में आएगा, यहां देखें ये 0 डिग्री, आप घूमते हुए पट्टी सारे कवर कर रहे हैं और आप यहां तक पहुंच गए, कितना एंगल आपने सबटेंड किया, आपने 180 डिग्री सबटेंड किया। तो इस लॉजिक से हम कहेंगे यहां जो लिमिट होगा ये 0 to 2π नहीं होगा, 0 to π होगा। तो हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले इस हिस्से को, डी फाई को सॉल्व करें या इंटीग्रेट करें, माफ कीजिएगा, डी फाई को इंटीग्रेट करें तो फाई मिलेगा जिसका अपर लिमिट 2π, लोअर लिमिट 0, सो 2π - 0 इज इक्वल टू 2π। सो हम इसे ऐसे लिखेंगे आर स्क्वायर्ड इंटीग्रेशन ऑफ, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा 2π, मैं यहां पर लिख देता हूं, सो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई 0 to 2π इसका लिमिट, इसे सॉल्व करें तो आपको मिलेगा फाई, और 0 to 2π इसका लिमिट, वैल्यूज बैठाएं अपर लिमिट में 2π माइनस लोअर लिमिट का 0, सो 2π - 0 इज इक्वल टू 2π। सो ऐसे हम कह सकते हैं कि ये जो होगा ये 2π होगा, कौन, ये डी फाई को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तब। अब ये वाला हिस्सा इसे भी लिख लेते हैं, सो इनटू साइन
ऑफ थीटा डी थीटा. इसका लिमिट क्या था? 0 टू पाई था. सो 0 टू पाई. अब 2 पाई को बाहर ले जाएं, 2 पाई तो कांस्टेंट टर्म है, इसे बाहर लेके चले जाएं और यहां होगा r स्क्वायर्ड इनटू 2 पाई और इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ थीटा डी थीटा और लिमिट 0 से लेके पाई. साइन ऑफ थीटा डी थीटा इसे इंटीग्रेट करें तो हमें मिलेगा नेगेटिव कोसाइन ऑफ थीटा. सो r स्क्वायर्ड इनटू 2 पाई और इनटू नेगेटिव ऑफ कोसाइन ऑफ थीटा और लिमिट में 0 टू पाई. सो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहां अपर लिमिट को पुट करना है थीटा के जगह पाई और फिर लोअर लिमिट को पुट करना है. इसे थोड़ा कन्वीनियंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट्स को चेंज कर सकते हैं और यहां नेगेटिव साइन को हटा सकते हैं. आप अगर प्रोफिशिएंट होंगे तो आप यह कर सकते हैं, फिलहाल तो मैं ये नहीं करूंगा. फिलहाल मैं थोड़ा स्टेप बढ़ा के ही लिखूंगा r स्क्वायर्ड इनटू 2 पाई और सबसे पहले नेगेटिव कोसाइन ऑफ थीटा. सो नेगेटिव कोसाइन ऑफ अपर लिमिट माइनस नेगेटिव कोसाइन ऑफ लोअर लिमिट 0. आप इसे इवैल्यूएट करें सो आप पाएंगे ये होगा r स्क्वायर्ड इनटू 2 पाई इनटू नेगेटिव कोसाइन ऑफ पाई. सबसे पहले देखें कोसाइन ऑफ पाई इज इक्वल टू नेगेटिव 1. सो नेगेटिव नेगेटिव 1 सो दैट इज पॉजिटिव 1 माइनस कोसाइन ऑफ 0 ये जो है ये होता है 1 और नेगेटिव कोसाइन ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस 1. सो माइनस माइनस 1 ये वाला माइनस यहां पर. सो इसे इवैल्यूएट करें ये 2 बन जाएगा माइनस नेगेटिव 1 सो पॉजिटिव 1 या प्लस 1 सो ये बन गया 2. तो यहां से आगे हम कहेंगे ये बराबर होगा r स्क्वायर्ड इनटू 2 पाई इनटू 2 के और देखिए ये क्या बन गया 4 इनटू पाई इनटू r स्क्वायर्ड. तो इस तरह से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते हुए हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एरिया जो है एक स्फीयर का वो बराबर होता है 4 इनटू पाई इनटू उसका रेडियस के स्क्वायर के. उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में. आगे के वीडियोस में हम और भी फिजिक्स के बहुत सारे चीजों पर बात करेंगे, जैसे कि गॉसस थ्योरम पर बात करेंगे. तो अगले वीडियो तक के लिए खुश रहें. गुड बाय.